नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। गर्मी के मौसम में सर्दी जुकाम और खांसी की दिक्कत आम होती है। अगर आपने सही से गर्मी में अपना ख्याल ना रखा हो तो आपको सर्दी जुकाम आसानी से हो जाता है। कुछ लोग इससे राहत पाने के लिए गर्म पानी, गर्मा गर्म सूप या अदरक वाली चाय पीते हैं। आप सर्दी खांसी रोकने के लिए कोई भी घरेलू तरीके आजमाते हैं या दवा लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि मीठा खाने के बाद आपकी खांसी क्यों बढ़ जाती है? जी हाँ, गर्मा गर्म गुलाब जामुन हो या फिर आपकी फेवरेट चॉकलेट, एक टुकड़ा ये तेज खांसी की ओर बढ़ा सकता है। सर्दी जुकाम में गर्म चीजें खाना काफी राहत देता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये खांसी को कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन खांसी होने पर मिठाई का एक पीस लेने से आपकी खांसी वापस भी आ सकती है। चीनी और खांसी के बीच इसी रिश्ते के बारे में जानने के लिए क्या कनेक्शन है, ये बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। जब आपको खांसी होती है तो लोग उन चीजों की एक लंबी लिस्ट बताते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चावल मत खाओ, तो कुछ कहते हैं कि दही मत खाओ। चीनी और इससे बनी कोई भी चीज इस लिस्ट में शुमार नहीं होती। चीनी खांसी को कैसे बिगाड़ती है, इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि खांसी एक अहम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो मैकेनिकल और केमिकल दोनों स्टिमुलेंट से शुरू होती है। इसके अलावा चीनी इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा सकती है, जो कि बदले में खांसी जैसे सर्दी के लक्षणों को और भी बदतर बना सकता है। अगर आप भी बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बिगाड़ सकता है, खासकर तब जब आप वायरल इन्फेक्शन से लड़ रहे हो। हालांकि डॉक्टर का ये भी कहना है अगर आप चीनी सीमित मात्रा में ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा आप चीनी की जगह गुड़ या शहद भी ले सकते हैं। जब आप ये जान गए हैं कि चॉकलेट और मिठाई जैसी मीठी चीजें आमतौर पर खांसी और खराब कर सकती है, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या मीठे फल भी सर्दी खांसी में नुकसानदेह हो सकते हैं? ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि आप सर्दी खांसी होने पर विटामिन सी वाले फलों को थोड़ा अवॉइड करें और जो फल थोड़े ज्यादा जूसी होते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।